अरे बाहर निकल, अपना हाथ तो दिखा। वो गिर गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और जो लोग पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई लोग, आज हमारा GTA 5 100 डेज चैलेंज का दूसरा दिन है और आज एंट्री होती है हमारे गेम के सेकंड कैरेक्टर फ्रैंकलिन की। फ्रैंकलिन सीमियन के शोरूम में आया हुआ है। ये पूरा शोरूम सीमियन का है। ये सीमियन है जिसकी मैं बात कर रहा था। फ्रैंकलिन शायद कुछ पैसे ऐसे की बात करने आया होगा। अभी मतलब कुछ टाइम से फ्रैंकलिन इसी के लिए काम कर रहा है। और फ्रैंकलिन का ऐसा सीन है, ये अमीर बनना चाहता है। इसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया इसने। Look man, it's been a real honor. Simon Gale said 2-3 log hi kaam karte hain. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what my boy. Franklin gusse mein hai bhai. Kyunki ise paise kamane hain, ultimately baat hi hai. It cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. भाई ये सीमियन बहुत हरामी है, मतलब बिजनेस मैन है भाई। ये लमार आ गया। लमार को देख के मुझे सैन एंड्रियास गेम की याद आ जाती है, क्योंकि उसमें इसी टाइप की ड्रेसिंग नहीं पहनते थे। You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. Lamar नाराज हो गया। Lamar नाराज हो गया कि भाई employee of the month Franklin को क्यों बना दिया? और Franklin उसे समझा रहा है, भाई मुझे पैसे से मतलब है, तू ही रख ले। Big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say winner. And maybe next month, huh? And fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. सीमियन इनको कुछ बाइक लेने के लिए भेज रहा है। शायद किसी बंदे ने बाइक ली थी सीमियन से और उसके पैसे नहीं दिए। बड़ा लेकिन सीमियन भी ना काफी हरामी टाइप का है। ये लोगों को ना पहले दे देता है गाड़ियां और काफी तगड़े इंटरेस्ट रेट पे देता है, और बाद में जब वो पैसे नहीं लौटा पाते हैं तो वो गाड़ी भी ले लेता है और स्टार्टिंग की पेमेंट भी ले चुका होता है। तो सीमियन का फायदा ही है, बंदे भले पैसे देना दे, स्टार्टिंग का बोनस तो उसे मिल ही जाता है जो डाउन पेमेंट लोग करते हैं। भाई हम लोग जा रहे हैं, बस पुलिस ना पीछे पड़ जाए, क्योंकि अगर शुरुआत में पुलिस अगर हमारे पीछे। अबे यार थोड़ा बात करने के चक्कर में गाड़ियाँ ठुक जा रही है। एक्चुअली सीन क्या है, जिस बंदे के वहाँ हम लोग जा रहे हैं शायद वो किसी गैंग का मेंबर हो सकता है, क्योंकि सीमियन ने बताया नहीं है अच्छे से। और ऐसा मतलब नहीं हो सकता कि वो गैंग का बंदा ना हो। अगर वो गैंग का बंदा नहीं होता तो सीमियन किसी और को भेज देता। वो फ्रैंकलिन और लमार को भेज रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन कोई नहीं, हमें बाइक तो लेकर आनी है। फिर भी वो बंदा मिलेगा तो थोड़ी उसकी कुटाई भी लगा के आएंगे। फ्रैंकलिन उससे कह रहा है लमार से, भाई आराम से जाएंगे, चुपचाप जाएंगे, बाइक उठा के आ जाएंगे। लेकिन लमार थोड़ा सा हटेला टाइप का है, क्योंकि ये जब भी कहीं जाता है ना तो वो लड़ाई झगड़ा कर ही देता है, तो नौबत बनी जाती है कि गोलीबारी हो जाए। कहाँ है इसका घर? पहुंच गए हम लोग ऑलमोस्ट यार। भाई हम उसकी लोकेलिटी में पहुंच ही गए। ये जगह थोड़ी सी अंडरग्राउंड जैसी लगी रही है भाई। गाड़ी यहाँ पे खड़ी करते हैं, अब चलते हैं। Follow Lamar. इस फैंस में चढ़ के जाना पड़ेगा लग रहा है। अरे भाई तेरे बात का रिपीट करें, हम खुद ही चढ़ गए ले। लमार बोला था रिपीट आफ्टर मी। लमार थोड़ा हटेला है, इसके साथ मिशन करने में ना रिस्क रहता ही है। तो जब भी मेरा मिशन होगा इसके साथ तो मुझे पता है कि कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा। ये देखो इसने इसको भी गिरा दिया। भाई सामने से बंदे आ रहे हैं। फ्रैंकलिन को सख्त तो हो रहा है यार, गलत जगह आ गए करके।
एक कार कितनी सही नहीं लग रही है, ब्लू वाली। चलते हैं आगे बढ़ते हैं पहले। तो भाई लोग, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक तो जरूर कर ले, क्योंकि हमने 100 डेज GTA 5 का चैलेंज लिया हुआ है। तो डेली एक वीडियो मैं डालूंगा, एक शॉर्ट से लॉन्ग टारगेट है यही। इन्हीं में से किसी गैराज में है, देखते हैं बाइक हमारी जो हम लेने आए हुए हैं। इधर तो नहीं है यार, ये खाली है। अगले वाले में देखते हैं। इसमें भी नहीं है यार, इसमें तो सोफे वोफे रखे हुए हैं। लमार एक भी नहीं खोल रहा है, मेजी से खुलवा रहा है। इसमें है शायद, स्टोरी लाइन स्टार्ट हो गई। इधर भी नहीं है भाई। अरे भाई मैक्सिकन बंदे आ गए। लमार ने गन निकाल दी। अरे भाई उसको मार दिया। अब तो 100% मैं कह रहा था ना, लमार चूतिया है भाई। अरे भाई बंदूक, अब लड़ना तो पड़ेगा, फंस गए हम लोग। भागने का भी रास्ता नहीं है। अरे कहाँ छुप गया वो बंदा दोबारे। अरे बाहर निकल, अपना हाथ तो दिखा। वो गिर गया। चलो भाई इस वाले को तो मार दिया, ये भी गया। बंदे कंटिन्यूसली आने में लगे हुए हैं यार। गलत लोकेलिटी में आ गए क्या हम लोग? भाई सीनियर ने गलत जगह फंसा दिया हमें, हमको लग रहा है। उसने बताया नहीं था हमें कि गैंग है पूरी। एक बंदा इधर है, इसके भी पैरों में मारता हूँ। गोली लगने के बाद भी उड़ जा रहे हैं यार ये लोग। गया ये भी गया। भाई कितने बंदे हैं यार। एक बंदा यहाँ पर है, ये भी गया ऊपर में। अच्छा है भाई, ये तो मेरी खोपड़ी में मारता सीधे। ये भी गया, ये रहा, ये भी गया भाई। ओवे भाई तू कहाँ से आया? अरे भाई कितने सारे बंदे हैं भाई। एक बाइक के चक्कर में भाई मरना नहीं है। लमार को तो वैसे लेकिन ऐसा ही सीन चाहिए रहता है कि लड़ाई हो जाए। भाई जल्दी भाग जा। ओवे बाइक भाई, वो बाइक वाला बंदा मिल गया। इतनी लड़ाई लड़ने के बाद चलो फाइनली बाइक वाला बंदा तो मिल गया, लेकिन इससे पहले वो भाग जाए हम लोग उसका पीछा करते। भाई वो पता नहीं बहुत दूर भाग गया यार। अबे यार गलत साइड आ गया था मैं गाड़ी के। अबे जल्दी बैठ भाई, अबे बैठ जा भाई। निकल गया भाई वो, मुझे नहीं लगता वो पकड़ में आएगा। कोशिश करते हैं पीछे बढ़ने की उसके। अबे शिट, इसे कहते हैं किस्मत खराब होना। लेकिन मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन से निकलता हूँ ताकि उसको पकड़ पाए। इधर से निकल जाए क्या? अरे नहीं भाई, यहाँ से तो वो है नहर की लाइन है, आगे से चलते। भाई मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना वो बंदा भाग जाएगा, या फिर हम लोग सही जा रहे हैं। पकड़ लेंगे यार उसको, नहीं भाग पाएगा हम। मैं ना ऐसे लेफ्ट ले लूँ क्या? ओबे शिट, यहाँ से लेफ्ट ले लेता हूँ और आगे की तरफ से उसे पकड़ लेंगे। मुझे लगा था वो भाग जाएगा, लेकिन हमने उसको फिर भी पकड़ ही लिया ऑलमोस्ट। वो मुझे ऐसा लग रहा है वो इसी तरफ आ रहा है, अगर उसने बीच में टर्न नहीं मारा तो। आ गया भाई, बस यहाँ पर रुकते हैं, अभी देखो सामने से निकलेगा। ये रहा, अबे घुमा ली गाड़ी, कमीने ने गाड़ी घुमा ली भाई। रुक जा, कहाँ है? मार दूँ क्या? लग गई गोली भाई। Get the bike and meet me at the car wash on Innocence.
भाई हमें तो खाली बाइक लानी थी, इस बंदे को भी मार दिया हमने। कोई नहीं, बाइक लेकर चलते हैं इससे पहले कि पुलिस वाले आ जाए। बाइक लेकर निकल जाते हैं यहाँ से। लमार कार लेकर चला गया, लेकिन चलो अच्छी बात ये रही कि हम इतने लड़े लेकिन बाइक हमें मिल गई है। इतना लड़ने के बाद अगर बाइक नहीं मिलती तो तब बेकार सीन हो जाता। चलते हैं भाई। वैसे मैंने GTA 5 का 3-4% मिशन पहले खेले हुए, लेकिन अभी फिर से मैं दोबारा पूरा खेल रहा हूँ। मैंने पूरा पूरा नहीं खेला था, सिर्फ 3-4% खेला हुआ था। तो इन 100 दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि गेम पूरा ख़त्म कर लूँ। अरे भाई कार में, मतलब सॉरी बाइक में डेंट नहीं पड़ने चाहिए यार, वरना सीमियन बोलेगा तुम कहाँ ठोकते हुए लेकर आ गए। कितने दूर जाना है यार। मैंने कहा था ना लमार चूतिया है, सामने से बंदे आए थे उसने ठोक ही दिया एक बंदे को, लेकिन वो भी लड़ने के लिए ही आए थे। अगर लमार पहले नहीं मारता तो वो शायद हमें मार देते। नाइट टाइम चल रहा है भाई, अभी ठुक गए थे, बच गए। ड्राइविंग तो तुम्हारे भाई की बढ़िया हो ही गई है। इधर है क्या? हाँ ये सामने है, वो लमार भी खड़ा है। Man, I can't hang with your ass for a while. Franklin गुस्से में है इससे। You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker. Franklin और Lamar ने starting से ही गुस्से में थे। मतलब Lamar ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उसको employee of the month का award नहीं मिला। अब फ्रैंकलिन को इस बात का गुस्सा है कि घूम फिर के लमार के साथ ही काम करना पड़ रहा है। तो भाई ये मिशन तो पार हो गया। तो भाई लोग आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो में मजा आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।